पहला इंसिडेंट, मैंने कहा भैया मुझे माफ करो, मुझे नहीं करना ये काम, रहने दो। इसके बाद मैं प्रिंस का रोल कर रहा था, तो वहाँ कोलाबा के अंदर वो चाइनीज वो शू मेकर थे। अच्छा जी। उनको ऑर्डर दिया और वो शू यहाँ का पहनने वाला वो वेलिंगटन, वो मेरे ख्याल से 2 नंबर छोटा लिया है। अच्छा जी। आप अच्छा, वो सीन में आने वाले भी नहीं थे शूज, और वो मुझे उन्होंने पहनवा दिए दोनों ने मिलके। इट विल फिट, इट विल फिट। अरे मैंने कहा इट विल फिट बट इट विल नॉट कम आउट। नो नो नो, इट विल नॉट कम आउट। फिट करके मेरा फॉर्म अंदर घुसर दिया। 6:30 बजे तक क्या हुआ, सारा खून भी खड़ा हुआ था तो सारा खून भी चला गया। तो ड्रेसमैन को बुलाया तो उसने उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतारा। फिर दूसरा आया, उसने तो उतारने की कोशिश करी, सारा स्टूडियो खाली हो गया। अब सब मुझे छोड़ के चले, अब जूता पहना के। अब वो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, चलते 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 छोटे छोटे कदम लेके आया टैक्सी तक, घर पहुंचा। घर पे भी नौकरों ने कोशिश की नहीं किया, तो मैं रात को ऐसा ऊपर पांव करके सोया। उतरे ही नहीं वो, नहीं उतरे ही नहीं वो, समझा, निकले ही नहीं। तो पूरी रात भर ऐसे ऊपर पांव करके सोया कि सर खून नीचे आ जाए तो साथ करे। फिर अल्टीमेटली उनको यहाँ से पीछे से मैंने कहा अगर पढ़ूंगा तो ये कहेंगे दूसरे दिन कि तू जूते पहन के आओ वापस वापस। तो दैट वॉज द सेकेंड इंसिडेंट। और उसके बाद मैंने कहा कि बस बहुत नमस्ते, मेरा बाप मरी छोड़ गया। प्रिंस साहब, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के लोगों से आप मिले हैं जब इंडस्ट्री में आए, और आज तक एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है, क्या डेफिनेशन? सर ये जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, महेश पाल जी, ये बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। अच्छा जी। उनसे किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है, उन्होंने कहा वैसे तो बहुत पहचाने हैं मगर एक सिंपल पहचान बताता हूँ, अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना। वाह, अरे क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी, सुपर्ब। ना कपिल भाजी, आप पूरा शो का बाद में फुटेज देख लेना, द डायरेक्शन टीम एंड एवरीथिंग। ओनली वन पर्सन हु हैज नॉट रिएक्टेड टू यू, टू मी, टू डैडी, कौन? और वो मम्मी के साथ वो दहेज में आया था। अच्छा। हाँ, मैं घर पे एक बार मिला भी था उनसे, उनका नाम गंगाराम शायद। जी जी। शर्मा जब घर छोड़ के आई थी जी, तो दहेज में उनको लेके आई थी। अच्छा जी। कॉर्पोरेशन था उसके पास, उनको लेके आया, तो अभी तक है हमारे पास वो। और हमारे यहाँ बोलते हैं ना नौकर बहुत कॉम्पिटेंट है, नौकर बहुत इंटेलिजेंट है, नौकर बड़ा समझदार है, हमारे यहाँ नहीं यही चलता है। हमारे यहाँ नौकर इस बात पे है क्वालिफिकेशन के, मैं इनको निकालूंगी तो रखेगा कौन। मैं उनको डैडी, मैं उनको स्टेज बुलाना चाहूंगा। आए यहाँ पे? हाँ, मैं मिला हुआ उनसे पर। हाँ, अच्छा, हाँ। अरे वाह, गंगाराम, गंगाराम आना आना। गंगाराम जी कैसे हैं आप? कौन है? सिद्धू पाजी आपको हेलो कर रहे हैं। उधर देखो, उधर ये कौन है? मालूम नहीं, उधर देखो। सिद्धू पाजी बुला रहे हैं आपको, हेलो। उधर देखो, वो कौन है? वो ऊपर ऊपर। कैसे सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? अच्छा कैसे हैं आप गंगाराम जी? ठीक है गंगाराम, हम कौन है? गंगाराम जी आइए, बैठिए, आइए आइए गंगाराम, हम कौन है, हम कौन है? तो एक दिन मैंने घर पे फोन किया, ऐसे गंगाराम डैडी है? तो कौन? ऐसे डैडी है? ऐसे कौन? अच्छा डैडी है? तेरा बाप। मेरे कमी, मेरे कमी से बात नहीं की थी। तेरा बाप? हाँ बुला दो, बुला दो। तेरा बाप सो रहा है? तेरा बाप सो रहा है? गंगाराम जी कहाँ के रहने वाले? सलीम सर पता नहीं कहाँ के। अभी तो हमारे घर पर है। एक बार मैंने इनको डांट किया। अच्छा जी। तो मेरी वाइफ ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की। बाप रे। हाँ, इतना पावर है इनका। इनमें इनमें एक टैलेंट है, खड़े खड़े सोते हैं। खड़े खड़े सोते हैं।
अच्छा जी, कुछ भी टिकने के लिए जरा सी चीज चाहिए बस, दीवार हो, सड़क हो, झाड़ हो, तो बेसिकली ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात सुन रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो सो रहे हैं। बट पाजी, यू हैव टू यू नो दैट जेन्युइन, आई मीन आई वांटेड हिम एंड आई वांटेड पीपल टू नो ऑफ हिम, द मोस्ट स्वीटेस्ट, ऑनेस्ट एंड लॉयल। क्या बात, ईमानदार। अगर इज द मोस्ट लवलीस्ट पर्सन एंड जिनके साथ हम सब बड़े हुए हैं जी, एंड शी केम विद, ये भी हमारे साथ ही बड़े हुए। गंगाराम जी, आप फिल्में नहीं देखते, आपके घर में सब ये वाला शो देखते हैं आप? टीवी देखते हैं लेकिन वो ऑफ होता है, देखते रहते। तो सोहेल भाई ने अभी बोला आपको कि ये कौन है, आपने तो पहचाना नहीं। जानते नहीं, नाम नहीं मालूम। तो फिर कैसे पहचानते? चलो ठीक है, सो स्वीट, थैंक यू सो मच गंगाराम जी शो में आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। आ जाओ, अभी आप जाके सो सकते हो। सलमान भाई देखो चश्मा, दबंग स्टाइल चश्मा लगाया पीछे गंगाराम जी ने। तो सलीम सर, एक हमारे यहाँ एक कुक आया, तो उसको कहा ट्रायल पे रखते हैं आपको जी, और अगर आपको भी शूट करेगा कि नहीं करेगा जी, आपका खाना अच्छा लगता है कि नहीं जी, तो 15 दिन तक ट्रायल पे रखते हैं। हाँ जी। पहले दिन जब उन्होंने खाना बनाया तो उसमें नमक बहुत था। अच्छा जी। तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो मैंने कहा बुलाना, इसमें नमक बहुत है। अच्छा, मैं कुछ नमक ज्यादा ही खाता हूँ। एक और थे हमारे घर में नौकर जिनका नाम था सलाम। सलाम वो तो सुनने की बात, सलाम को टेलीफोन उठाने का जो शौक था वो मैंने अपनी दुनिया में किसी का मतलब इतना पैशन देखा ही नहीं। अब मेरे सामने फोन रखा है, मेरे सामने फोन रखा है, घंटी बजी फोन की और मैं चश्मा उतारूंगा, कुछ चीज रखूंगा और मैं फोन उठाऊंगा, ऐसे वो हाई स्पीड में आके यूज करके फोटो खींच में उठाता था, समझा? तो हमारे यहाँ घंटी जब बजती थी तो हॉल में भी बजती थी और मेरे बेडरूम में भी बजती थी। अच्छा जी। तो मैं नहा के निकला और घंटी बजी, तो उसने वहां जाके एज पर वो जाके डाई मार के उठाया फोन और मैंने अपने बेडरूम में उठाया, तो मैंने कहा सलाम, तो कहता वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा सलाम, मैं अंदर से, तो कहा वालेकुम सलाम, बोला ना आपको, समझा? तो मैंने कहा सलाम, मैंने बेडरूम से बोल रहा हूँ। मैंने किसके बेडरूम से बोल रहा हूँ? अच्छा, उधर से वो लगे हुए जिनका फोन था, सलीम साहब। मैंने कहा यार हमको तो कंप्लीट करने दो, इधर हमारे घर को छोड़ रहा हूँ। तो बार बार वो, मैंने कहा सलाम, फोन रख। तो उसको, अरे आपने फोन किया है, मैं काय को रखूं? अंदर एक बीच में वॉल है बस, इसके बाद में गया हल्के और मैंने उससे कहा फोन रख। तो देखने लगा मेरी तरफ कि वो भी बोल रहा है फोन रख लिया, ये भी बोल रहा है, प्रॉब्लम है क्या ये? अच्छा, वो रात को वो अपना मिट्टी का हुआ था ना फेस पैक, हाँ जी हाँ जी, वो लगा के सोता था, अब मुझे नहीं मालूम। तो अब मैं रात को आया पार्टी से और मैं रात को भी आराम से रिलैक्स, मैंने घंटी बजाई और दरवाजा खुला और एक क्रैक मिलती, मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ी स्क्रीम नहीं की होगी। ये पूरा फिल्म का सीक्वेंस है ये तो। सलीम सर, मैं 7 साल ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करता रहा सर, उसके बाद ये आया, करीब 300-400 हमने शो किए। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शो, सच्ची बोल रहा हूं। बहुत बड़े बड़े एक्टर आए, सब आए सर, पर आप शख्सियत नहीं हो, एक संस्था हो सर, कमाल हो सर, आप कमाल हो, कमाल हो, लाजवाब हो। उस दिन आपने एक लाइन कही थी, मैंने आपको जिक्र भी किया, मुझे याद आ गई बाद में, जब आपने कहा कि आंसू आए तो खुद पोछना,
मैं सोचता भी रहा कि मैंने कहा सलीम साहब ने सडनली वो लाइन क्यों बोली, फिर मैंने इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आंसू निकला है तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। वाह वाह क्या बात है सर, क्या बात है। एक मिनट यार, मैं सर आपके पास आपके पांव छू लूं सर, सबके सामने छूना चाहता हूं सर, क्योंकि मुझे यही मक्का काबा लगता है। आप बेमिसाल हो, बेमिसाल हो, बेमिसाल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.